The whole idea of curating this talk is to not just talk about the Havelis and all. And there are, the Tawai box is not a new concept, but how immersive you can make is something we always aim for from Kiranadar Museum and from Telugu City as well. The whole idea of this particular event is to give you an immersive experience. सिर्फ वो तवायफों की जो हवेलियाँ यहाँ पे हुआ करती थी या जिस मोहल्ले में वो रहा करती थी उसको बाहर से हम ना सिर्फ देख कर जाएँ बस कि उसमें थोड़ा सा और डीप डाइव करें एंड जो एक जैसे रानी मान जी ने बोला कि वो जो इल्म आता है वो किताबें पढ़ने से आता है गूगल से नहीं आता क्योंकि हर एक इंसान का अपना एक कोई एक्सेस है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नॉलेज है बट वैन यू रेफर टू द मल्टीपल सोर्सेज देन यू come to the conclusion ki exactly hai kya so the whole idea is that you come to this space understand ki is tarike ki mehfilein hoti thi jo aam mehfilein hoti thi aur usme kya adab hote the is tarike ke performing arts ke ya jin cheezon ne is pure culture ko evolve kara to Rani Manam ji was the best person for that and I jis waqt meri pehli baar mulaqat hui to mere dimag mein tha ye main karunga zarur और वो मौका मुझे किरणनादर म्यूजियम में और कथिका के प्रदर्शन के थ्रू नसीब हो पाया और मैं दिखा पाया इसको इसके बाद अब हम चलेंगे थोड़ा गलियों की तरफ थोड़ी सी तंग गलियां हैं छज्जे मिले हुए हैं और ढेर भी मिले हुए हैं यहाँ के लोगों के तो तंग गलियों से परेशान मत रहिएगा और तंग गलियों की भी एक खूबसूरती है कि आप इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व नहीं करिएगा कि वेन यू आर लिविंग इन टू द प्लेसेज विद ब्रॉड रोड एंड ऑल You feel the disconnect with the people. And when you are passing, living in the small area, because it's a old city, it's about 400 years old. And these gullies, as a defensive system, act at the time of the attacks and all, so that people easily navigate. And if there is an attack of this kind, then the gullies think that they can penetrate the army. The abam should have an upper hand in terms of. So these narrow LEDs also protect you in protecting from the attacks and all. So that was the whole idea of having the narrow LEDs. अक्सर आप घर देखेंगे तो फसाद बहुत बड़े हैं, गलियां बहुत तंग हैं, इतने बड़े फसाद हैं तो चाहे एक नज़र से देखे बना जाए जब तक आप पैनोरे में घूमी हो ना ले पर इन फसाद के बनाने का मकसद क्या है इतने बड़े बड़े तो मकसद यही होता था कि वो उनके ग्रैंडियर को बताता था उनके स्टेटस को बताता था सोसाइटी में और जब आप अंदर हवेली में घुसेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत छोटा सा घर है बट अंदर तो बहुत बड़ी हवेली निकल कर आती है तो द नैरो एलिवेटर इज अ डिफेंसिव सिस्टम इन ओल्ड टाइम एंड और अब तो ये है कि अगर आपकी किसी पड़ोसी से अनबन भी है तो ज़्यादा देर तक टिकती नहीं क्योंकि गली से निकलते हुए या तो कंधा टकराएगा या कुछ टकराएगा और ऐसी बहाने बात कर जाएगी तो वो दूरियाँ नहीं हो पाती तो या दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस इट इज़ द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड मेस एंड प्लीज एंजॉय थोड़ा सा तकल्लुफ शायद हो आपको पर दिस इज हाउ इट इज मैं गुजारिश करूँगा यहाँ पे हम लोग एक ग्रुप पिक्चर ले लेते हैं एंड आई थैंक कथिका कल्चर सेंटर फॉर ओपनिंग दिस डोर्स टू मेक दिस वॉक एंड कॉन्सेप्ट मोर इमर्सिव एंड यू कैन फॉलो कथिका ऑन इंस्टाग्राम सो दीज पीपल ऑर्गेनाइज events every week as well and follow Kiranadar Museum of Art walks ke alawa bahut sare khoobsurat exhibitions lagte rehte hain aur programs karte rehte hain kya and Telugu City of course baaki main to pareshan karta rahunga with broadcast message and email chalo thank you so much